एक वन में एक भास्कर नाम का सिंह रहता था। उसके बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये तीनों दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन अभयदान की बात सुन ऊंट, कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। कथनक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक सिंह की आज्ञा का पालन कर वही रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट। बाघ, गीदड़, कौवा आदि वन्य जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान सिंह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित करते वह बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। गीदड़ बोला, मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मार कर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ की बात सुन कौवा बोला, कहे तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है, वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओगी उन्हें कैसे गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुंचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सबने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु
हमें कोई ना मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभेदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह की बात सुन गीदड़ बोला, यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वो ऐसा करेगा? वनराज, कथनक क्या? आपकी भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है, आप आज्ञा करें। और इस तरह तीनों अनुचरों ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद गीदड़ और कौवा कथनक के पास पहुँचे। कौवे ने कथनक से कहा, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे, कथनक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने वही सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई ना कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहे हैं, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त, तो चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है। प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।